हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू व्लॉग। सर्दी से बुरा हाल है लेकिन हम खाना खाने नीचे आए हैं। अब खाना ऑर्डर कर दिया है और खाना यहाँ पे फ्रेश बनता है तो बनने में लग रहा है अराउंड एक घंटा। बाय द वे हम आए हुए हैं मालम जब्बा और होटल का नाम है ज़रियाब रिजॉर्ट, होटल रेस्टोरेंट जो भी है, लेकिन अच्छी वाइब है यहाँ की। खाना भी देख के बताना पड़ेगा कैसा है। और आज ही पहुँचे और अभी बस खाना खा रहे हैं, उसके बाद चाय का जो है वो बॉन फायर वाला सिस्टम का कुछ सीन है, होपफुली वो बन जाए। तो लेट्स सी। वो ज़्यादा पीते हैं उनके बैग से। टेस्ट पर जो होते हैं ना ऊपर आके वैसे ही वो डल हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको टेस्ट वैसे ही फील नहीं होता। इसलिए पहाड़ी इलाके का जो खाना होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन इस रेस्टोरेंट में खाना जो था वो अबव एवरेज था। या तो भूख इतनी लगी हुई थी या क्या सीन था, जो भी था बस दबा के खा लिया। चाय शाय या कावा शावा जो भी सीन चलने वाला है तो बस उसका इंतजाम हो रहा है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, बॉनफायर जो है वो नहीं हो रहा है, बट चाय आ गई है। तो फिर कैसी है चाय? हाँ यार, ये चाय, पहाड़ी चाय और ये सीन, बस यार एंड है, नेक्स्ट लेवल है। इतने कमाल के नज़ारे हो, उठते साथ ही आपको ये सब देखने को मिले तो आपका दिल क्यों नहीं करेगा उठने का। आज भी हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज हमारा प्लान है फर्दर डाउन, आगे फर्दर अप नॉर्थ जाने का। पर प्लान तो है, उससे पहले यहाँ पे प्लान है कि चेयर लिफ्ट वाली राइड ले रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे मस्त किस्म का नाश्ता करने का प्लान है। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम आज के दिन में, क्योंकि ट्राई ये रहेगी कि आज के दिन का मोस्ट जूस जो है वो निकाल लिया जाए। फिलहाल के लिए व्यू चेक करो और वो जो पीक्स नज़र आ रही हैं ये कवर्ड है स्नो से, मतलब ऐसा व्यू कहाँ मिलता है। और जो मज़े की हवा चल रही है ना यार, प्रॉपर एम्बियंस में ना, मतलब मस्त किस्म की पहाड़ी इलाके की हवा और वो व्यू और साथ में ट्रेवल, यार यहीं पे रह जाए बंदा। स्विट्ज़रलैंड अपनी जगह है, सवाद अपनी जगह है, मस्त है, नेक्स्ट लेवल है। उठ जाओ, सारे व्यूज चेक करो। गुड मॉर्निंग। होटल का ऑल इन ऑल रिव्यू ये है कि रह सकते हो, अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, और अगर ब्रेकफास्ट करना है तो 11:30 से पहले उसको ऑर्डर दे देना, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा जैसे हमारा हुआ है जल्दी उठने के बावजूद भी। अब हम जा रहे हैं ऊपर कहाँ, जहाँ ग्लोरिया जीन या कहीं पे जाके देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, और वहीं पर चेयर लिफ्ट भी है। और अभी बस यही डिस्कशन चल रही है कि मुझे बर्फ़ नज़र आ रही है वो कल वहाँ पर थी कि नहीं थी, अब ये तो आप भी बता सकते हो कल वाले ब्लॉग में देख के। लेकिन हम भूल गए थे हम पाकिस्तान में, जहाँ पे जो भी चाहिए वो जैसे भी चाहिए जब भी चाहिए मिल जाता है। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे ये चांद सितारा होटल रेस्टोरेंट में कुछ पराठे शराठे और अंडे शंडे खाने के लिए, मतलब प्रॉपर नाश्ता मिलने वाला है हमें। यार ये वाला होटल था हमारा जिसमें हम ठहरे हुए थे, अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ से व्यू है ये। पिछले 45 मिनट से नाश्ते का वेट कर रहे हैं और नाश्ता अभी तक नहीं आया, अब भूख कमाल की लग चुकी है। अगर नेक्स्ट 5 मिनट में नाश्ता नहीं आया ना तो इंतज़ार करेंगे और कर क्या सकते हैं यहाँ पे, है ना। टेबल पे कपड़ा नहीं मारा यार, मज़ेदार किस्म का नाश्ता हो रहा है, ऑमलेट और साथ में पराठा, साथ में फ्राइड अंडा, मतलब फ्राइड अंडे की हालत थोड़ी खस्ता है लेकिन मुझे भूख लगी है। और जिस एल्टीट्यूड पर हम हैं यहाँ पर खाने का बहुत मज़ा आ रहा है यार, चाय आ रही है। टिकट से ये एंट्रेंस है, ये जो चेयर लिफ्ट में नहीं जा रहे उनकी एंट्री है। बेल्ट है उसके ऊपर, चेयर लिफ्ट के ऊपर बेल्ट है? बेल्ट नहीं है सर, हैंडल है। आप जब बैठेंगे तो हैंडल नीचे करेंगे और उस पर पाँव रखेंगे। और बच्चों का? बच्चे सर बैठ सकते हैं, चेयर लिफ्ट स्लो चलते, तेज नहीं चलते। अच्छा, सुकून से जा रहे हैं यार ऊपर। नहीं गिरती यार,
यहाँ से गिर के वैसे टांग शांग ही टूटेगी, मरेंगे तो नहीं। दो बच्चे बैठे छोटा देखे ओए टूटने की बातें ना करो केबल पे बैठे हुए हैं यार। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो छोटा सा मैकेनिज्म है ये, जो एक ही ग्रिप है और एक पेच है जिसके ऊपर ये पूरी लिफ्ट अड़ी हुई है। तो आपने ये सब अभी बताना, तो अगर हल्का सा लूज होता है तो फिर मैंने, आप किसी के साथ बैठने के काबिल नहीं है। व्यू है ना, दे आर टू डाई फॉर। क्या है जिला शांगला? ये शांगला है उस साइड पे मार दूंगे इसे डेर के पीछे आलू छे। अच्छा जबरदस्त। और उधर कलाम है? ये उस तरफ कलाम जी। उधर कलाम है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। बल्तिस्तान, उधर बल्तिस्तान है जी जी हाँ। उसे पेड़ पहाड़ी जो है पीछे वो उधर जी जी हाँ। जबरदस्त। और अभी प्लान ये बन रहा है कि ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ऑल द वे हम ऊपर तक जा सकते हैं, तो जिस जिस में हिम्मत है वो आ जाए साथ। मैं जा रही हूँ नीचे वापस। ओए होए 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 थाइस की एक्सरसाइज हो जानी है यहां पे। भाई खूबसूरत जगह है। तो राजा ने ना व्यू प्यारा है। इंडिया के ये लोग सारे यहां पे बैठे हैं और हम लोग, मैं और शाहरुख जो है यहां ऊपर हाइक करके यहां जा रहे हैं। आ गया सांस फूल गई है। नहीं यार नीचे चलते हैं। अभी यहीं तक आए, सांस फूल गई है, नीचे जाते हैं। अभी वो फिटनेस लेवल नहीं है, फिर आएंगे। जितना भागते उतना तुम्हारा क्यों फूला है? हम भी भाग गया ना, हमारा नहीं बोलते। सही बात है। प्रो टिप, जब भी ऊंचाई पे आओ भाग के नहीं आना, स्लो स्लो आना। नेक्स्ट टाइम अभी चलते हैं। और कितना ऊपर है? बस तो अरे वाले यार तो नहीं रहते हैं, मेर रहते मेरे ख्याल में। हमारा भी स्कूल का छुट्टी है ना सर, हम याद है मेहमानों के साथ गाइड करते हैं। अच्छा। उसको स्की वगैरह कराते हैं। अच्छा। उसको ड्रॉप तक लेके जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने किया नहीं स्नो टायर। नेक्स्ट टाइम। ये तो रखते है कराची का। मैं कराची का हूँ। अब लाहौर का लगते लाहौर लाहौर का लग रहा। मैं कराची का लगता हूँ। सीन्स कुछ ऐसे नहीं 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 सीन्स ऐसे नहीं है। चले ना ऊपर थोड़ा सा तो आया यार। मैं ठीक हूँ। अब मैं पहली दफा नहीं आया, मेरा कोई दसवीं बारहवीं दफा ही था। दस बारह दफा हर साल आते हैं। तो ये सब करने के बाद सांस वापस आई है, तो हमने डिसाइड किया है कि यार थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। डैम ऊपर देखो यार, सीन कितने ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल ठंडा मौसम। हाँ उधर बर्फ भी बड़ी हुई है, मतलब वहाँ से स्लिप हुए तो सीधा ही नहीं, लेकिन जाएंगे। रास्ते से नीचे पड़ा है। अच्छा चलो इस थोड़े इस तरफ से जाओ। अच्छा स्लिपरी ना हो। कितने दिन पुरानी है ये? तो दो तीन महीने हो गया इसमें।
दो तीन महीने से बर्फ है। तो जब सही बर्फ होती है तो ये सारा क्या होता है, कवर हो जाता है? सारा नहीं, ये सारा पुल होते हैं, ये फुल होता है सारा। दस इधर नहीं है, दस बारह फुट पंद्रह फुट पार। तो पता कैसे चलता है कि ये इधर नीचे नहीं लोग जाते, इधर नहीं जाते? खतरनाक होता है। फिर वो सिर्फ उस पे जाते हैं बस। अच्छा, वो मैदान है ना, उसमें घूम फिरते। जमाल जी बाबू, शाहरुख साहब, हम बुलाते तुम पर। जितना ऊपर आते हो उतना क्राउड कम होता जाता है, और उतना आप अपने साथ और नेचर के साथ कनेक्ट फील करते हो। वीडियोस में देखा था कि जब ऊपर जाते हो तो सांस चढ़ती है, अभी रियल में फील कर लिया। डैम, हेल ऑफ एक्सपीरियंस मैन। एक्स्ट्रा एडवेंचर्स नहीं होते, सांस लेते फिर जाते ऊपर। अच्छा, उधर ये सारी मक्खी क्यों है ऊपर? ये ऐसा मक्खी है, काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं यार, इधर आ जाओ, पत्थर पे बैठ जाओ। हैं बस बस तू रह गया भाई, ये ऊपर की तस्वीर थोड़ा रेस्ट ले लो। वो नीचे भी जाना फिर आगे भी जाना, तो वापस ही बिल्कुल इजी है। ये है बस लिटरली, ये आगे कदा से चढ़ते चल भाई। हां इधर ही बैठो भाई, कदा से चढ़ते चल भाई। हैं चढ़ते चल भाई। कलांत जी, कलांत जी, यार तो दोबारा चढ़ते जी। जस्ट देयर, इधर तक जाने। अभी कलाम जाएंगे। तुम कहाँ के? कहाँ के है वो तो अभी बताया मैंने, दोबारा क्यों पूछते? बताया लेकिन मैंने पश्तो पे पूछा। पश्तो पे कुछ और पूछो। तो अब शहर तो चले भी ना, अब ग्रीनवेली तो चले भी ना। मैं इसको बोल रहा है ना, ये पत्थर किसका है? अच्छा, थोड़ा पश्तो भी सीखा। ये तो पत्थर है नहीं, तो लकड़ी है। पत्थर है, पत्थर है सारा। अच्छा सही है, नहीं इधर आके पत्थर लकड़ी में फर्क नहीं मालूम होता है। यार ये जो बच्चे हैं हमारा उर्दू पश्तो का टेस्ट ले रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा पश्तो बोल लेते हैं। पर सर जी को तो ज्यादा पश्तो आती है। हैं इसको आती है, मुझे नहीं आती। अब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। हाँ यार, मैं इधर रहता था तरबेला में। तरबेला मालूम है? इधर तरबेला रहता था, यही बोलते हैं सब। हाँ वो भी पश्तो बोलते। फिर मेरे दोस्त थे काफी सारे अफगानिस्तान से, पेशावर से। आप इधर ही रहते हो? मैं तो दस तकरीबन एक घंटे का रास्ता है पैदल सर जी। कहाँ रहते हो? उधर उधर आगे। क्या नाम क्या है जगह का? स्पिनोबो। अच्छा, तो स्कूल जाते हो? शांगला। शांगला में रहते हो? जिला कांगला है हमारा। शांगला वो वाले शांगला की बात। कोई नहीं कोई नहीं, और मार चलो चलो कि चले बहुत ध्यान से। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि चले ध्यान से। कोई नहीं, कोई नहीं। ये टॉप है शांगला। हाँ
गंदा हो गया। क्या टाइम है? चार। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? एट क्लास में। एट में? अच्छा यार, बस वो टॉप है। चलो देखते हैं आ रहे कि नहीं। यहाँ रेसवर कहाँ? यहाँ रेसवर का उर्वेल गिरता है वहाँ चाहो रेसवर का उसे कहते रेस दे दो कहते रेस दे दो कहते पहाड़ों का एक नशा होता है, जितना ऊपर जाओ उतना और ऊपर जाने का दिल करता है। अगर एक चोटी सर कर लो तो फिर दूसरी सर करने का दिल करता है। अभी यहाँ पे हम आए थे लेकिन अब वहाँ जाने का दिल कर रहा है, देखते क्या सीन है। एक शॉर्टकट है यहाँ से नीचे और फिर सीधा ऊपर। हाथ अभी साफ हो गया? हाँ हाथ खुश्क हो गया यार, मिट्टी है क्या है? मिट्टी है, सही हो जाएगा। अभी सूख हो गया ना? सूख हो गया मिट्टी। शाहरुख क्या ख्याल है? वो एक रहेगी है। वो अभी आपका मारती है। नाम क्या है यार आपका? मेरा हाँ जमाल सेब। और आपका? इब्राहिम। इब्राहिम और जमाल सेब ने बहुत हेल्प की हमारे ऊपर आने में, तो कभी यहाँ पे मालूम जब्बा में आओ तो लुक फॉर दीज टू गाइज, दे विल रियली सॉर्ट यू आउट। ये तुम्हारा मशहूरी भी हो रहा है, लोग इसको देखेंगे फिर इधर आएंगे तो तुमसे आएंगे तुम्हारे पास। अभी YouTube पे जाओगे तुम लोग? मेरा छुट्टी है। मुर्गी इधर किधर है? ऊपर ही है ये मुर्गी। यार क्या तुम कौन सा मुर्गी कह रहे? मुर्गी तो एक ही होती है, मुर्गी कौन सी होती है? ये दूसरी है। वो नहीं है यार, इसको इनकी तो ये मुर्गी कहते हैं सबको। यार मुझे कहते हैं मुर्गी बोलते हैं पुश्तो में कार को। मुझे बोलते हैं मुर्गी देखो, मैंने कहा कौन सी मुर्गी? कहता है यार ये मुर्गी है, कब्बे को मुर्गी बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं कार को। कार को? वो तो कब्बा है ना, काला वाला। काले वाला? हाँ तो वो तो कब्बा है। यार ये सामने ही है। तुम आ जाओ ना, आराम आराम से आ जाओ। चलो चलो देखो, इसको हम बोलते हैं कारगा, तुर कारगा। कवा है? कवा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंगल। इंग्लिश जंगल नहीं, कवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं ये तो जंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कवे को? आप आठवीं क्लास में पढ़ते हो, बताओ। करो करो। आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? कवे को क्या बोलते हैं? छोड़ दो, सांस नहीं आ रही यार। हाँ कवे का मुर्गी बोलते हैं ना इंग्लिश में? मुर्गी ने खदे जमला माता का हाँ को चरगुड़े होता हुई है। चरगुड़े? चरगुड़े होता हुई? चरगुड़े माँ कवा मरा। वो ग्रीन मिली है जो मैं आपको बोल रहा था, उधर जाओ। उधर वो सामने ग्रीन मिली जाएंगे जाएंगे वो बड़े मजे का पॉइंट है। दोनों भाई है? भाई है भाई। हाँ भाई है। ये व्यू देखो भैया, जंगल की व्यू, बहुत साफ व्यू, इंटरनेशनल वाला। अच्छा ये है ना सबसे टॉप। क्या बोला था? पहाड़ का एक नशा होता है, एक चोटी के बाद दूसरी चोटी नजर आ जाती है। हाँ। और यही वजह होती है कि अक्सर माउंटेनियर्स कभी नहीं रुकते, लगे रहते हैं। टेक्निकली हम चोटी पे हैं। जस्ट लुक एट दैट, आई लुक एट दैट, डैम। और इस सब के पीछे एक अजीब सी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि मैंने वो किया जो कि हर कोई नहीं करता। शायद इसीलिए पहाड़ों से प्यार हो जाता है।
ज़िंदगी में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना, किसी भी हिल के किसी भी माउंटेन को पीक तक चढ़ के। डेफिनेटली अब नीचे चलते हैं। बेसिकली जिस माउंटेन के टॉप पे हम खड़े हैं इसको लाहौरी टॉप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता नहीं, बस बोलते हैं। शाम में क्या हुए तुम? नहीं यार, कल हम जाना है, एक उसके बाद फिर घर जाना है वापस। मज़ा आ गया यार शाहरुख, आना चाहिए था। ऊपर अच्छे बच्चे हैं यार, अच्छे बच्चे ना। हाँ एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस जबरदस्त यार, एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वर्थ वाइल। वही कह रहा था यार, माउंटेन्स में आके ना माउंटेन्स से प्यार हो जाता है। आप चाहते हो एक और टॉप पे चले जाओ, एक और टॉप पे चले जाओ, इसीलिए सारे जो माउंटेनियर्स हैं वो चढ़ते जाते हैं, कभी रुकते नहीं है। हाँ इधर थोड़ा ख्याल कर रहे थे कि पहुँच गए। हाँ सही बात है। हम लोग दैट यार, स्टीप चेक करो। ओए होए 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 होए, सीधा नीचे, सीधा नीचे। उड़े खराब के लिए वापसी में जाने के लिए। नहीं 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 नहीं, वापस हो यार। क्या वो चीज़? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके यार, मैं ठीक हूँ। सशे ओ आजो आजो आजो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं यार नहीं चाहिए, नहीं यार नहीं होगा नहीं होगा, आजो 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 आहो आजो 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 आजो। नहीं नहीं यार, नो प्रॉब्लम। किधर स्लिप हुआ था मैं? आ रहा एक मिनट, ये नहीं इसके साथ ही चला जाओ, इसके ऊपर ही पाव रखना है, ठीक है? बैठा थोड़ी हो यार, पत्थर के साथ। हाँ ठीक है फिर बैठे, पत्थर पत्थर इस साइड इस साइड इस साइड। नहीं नहीं ये वाटर प्रूफ है, चलो यू भी करो बाप जी। क्या नाम, क्या चैनल का नाम है? साइम SAIMMM साइन ट्रैवलिंग यार, ट्रैवल डेली SAIMMM डेली व्लॉग्स करता हूँ, एवरी डे एक वीडियो आती है, ठीक है? ट्रैवलिंग फूड लाइफ स्टाइल। अच्छा अच्छा, तो अभी करंटली पाकिस्तान विजिट कर रहा हूँ, उससे पहले जर्मनी किया था। अच्छा आपकी नेशनलिटी है यूके की? यस जी। फिर तो आप तो कर सकते हैं। आप भी यूट्यूब बनाते हैं? जी जी। अच्छा किस नाम से? अब्दुल्ला नाम से, अब्दुल्ला ट्रैवलिंग। अब्दुल्ला ट्रैवलिंग, चलिए ऑल द बेस्ट यार। कल था मैं उधर लाहौर में। अच्छा वो गिरा हूँ मैं सीढ़ियों से। ओके गोडे में दर्द है। ओए होए भाई, कह रहे हैं आप ना टूप पर बैठ के आपको स्नैक कराते हैं। मैं कहा नहीं भाई, अभी मैंने ना अभी भुगता रहा हूँ एक। नहीं सेहत पहले है यार, सेहत पहले है। गर्म था ना? अभी पहन लो। हाँ नहीं नहीं ये पहनता हूँ और दर्द होता है। अच्छा इधर से ना फिर जाइए, ये ज़्यादा स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है। किधर से आए थे? ये तो वापस आ गए, जल्दी आ गए ना। मज़ा आया यार, सांस भी कैचअप हो गई, लेकिन इससे सारे एक्सपीरियंस से ये सीखा कि माउंटेन्स का जो प्यार है ना आपको कहीं भी ले जाता है। और सबसे बड़ी सीख ये कि भागते हुए नहीं चढ़ना, नहीं तो एक बार सांस गई तो बस फिर
ये वाले कार्ड मिलते हैं चेयर लिफ्ट के लिए और ये रिटर्न होता है। सब चढ़ के भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर आना चाहते हो तो एनर्जी बचा लो थोड़ी सी, बेहतर है। हम उसके ऊपर थे, राइट एट द टॉप। मिल जाएगा सर, ये इधर वो जमा कर दे। हाँ, कार्ड नहीं दे रहे वापस, कह रहे वो वापस ले। 50 pounds 50 pence लिए उन्होंने, 50 रुपए लिए कार्ड के। कार्ड तो वापस चाहिए।